आज है दिन थर्सडे का और एक और नए एपिसोड का जो कि है टैकी थर्सडे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक टॉक 21 के एक और नए एपिसोड टैकी थर्सडे में। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो बिना समय गवाए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला अलार्म क्लॉक जो है वो सुबह 4 बजे बजता था। यानी कि अगर किसी को कोई काम है या सुबह जल्दी उठना है तो सिर्फ 4 बजे का अलार्म क्लॉक बजेगा। काम ख़त्म करो, 4 बजे उठ जाओ, जो करना है करो, उसके बाद अलार्म क्लॉक नहीं बजेगा। और इस अलार्म क्लॉक को एडजस्टेबल बनाने के लिए हमें पूरे 60 साल लग गए। यानी कि पूरे 60 साल बाद हमें एक एडजस्टेबल अलार्म क्लॉक मिल पाया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला डोमेन नेम क्या था? नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, उसका नाम था symbolics.com और ये आज भी मौजूद है। 31 साल होने के बाद इसके आज 275 मिलियन यूजर्स के साथ ये आज भी किसी भी सर्च इंजन पर मिल जाएगा। यानी कि आज भी ये ज़िंदा है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि जो मून पर पहली सैटेलाइट भेजी गई थी, पहली तो नहीं लेकिन कौन सी बताओ? अपोलो 11। लेकिन आप इसके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट जानते हैं, ये पावर सप्लाई, इसकी पावर सप्लाई जो थी सबसे कम मानी जाती है। यानी कि एक स्मार्टफोन से भी कम, इतनी कम पावर में हम मून पहुंच गए, क्या गजब है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि 1500 में लियोनार्डो डा विंची ने सबसे पहला रोबोट डिज़ाइन कर लिया था, मतलब बनाया नहीं था, उसकी एक ड्राइंग यानी कि एक फ़ोटो तैयार कर ली थी। यानी कितने हज़ारों साल पहले अंदेशा लगाया जा चुका था कि आने वाले समय में रोबोट्स भी बनेंगे। भैया क्या बात है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि एप्पल में जो आजकल लोगो बिक रहा है वो एप्पल का लोगो नहीं है? कैसा लगा आपको जानकर? ये एप्पल का फर्स्ट लोगो नहीं है, यानी एप्पल ने इस लोगो को ओन किया है लेकिन ये इसका पहला लोगो नहीं है। जो स्क्रीन पर आपको लोगो दिखाया जा रहा है वो एप्पल का सबसे पहला लोगो है। यानी कितना वाहियात है ये। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में गूगल आज भी भेड़ बकरियां यूज़ करता है अपनी लॉन की घास चराने के लिए? यानी कि काफ़ी ओल्ड स्टाइल लेकिन सबसे कूल स्टाइल। लेकिन बताता हूँ क्यों। गूगल का मानना है कि एक तो भेड़ बकरियां चराने से एनवायरनमेंट का कोई लॉस नहीं होगा, भेड़ बकरियों को खाना मिल जाएगा, मशीन्स का कोई यूज़ नहीं होगा जिसकी वजह से पोल्यूशन भी नहीं होगा, और एक मेन बात जिसकी वजह से गूगल ने इनको रेंट पे लिया, यानी कि इनके एम्प्लॉयज़ को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। यानी कि एक तीर और 100 निशाने, मतलब कि आज भी गूगल में एक बहुत बड़ा यार्ड है जहां पर भेड़ बकरियां जो हैं वो इकट्ठी कर रखी जाती हैं ताकि जब भी उनको चराने के लिए इस्तेमाल करना पड़े तो वो उनको आसानी से कर पाएँ। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि जब दुनिया में सबसे पहला कैमरा आया तो उसने कितना टाइम लिया एक फ़ोटो को खींचने के लिए? यानी 8 घंटे, 8 घंटे एक फ़ोटो को खींचने के लिए। मतलब अगर बंदे को पसीना आ जाए, खुजली करने फ़ोटो में आ जाएगा, समझ लो वो भी फ़ोटो कैसी आएगी, धुंधली सी काली सी। और इस कैमरे की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी उस ज़माने में, यानी कि इतने पैसे देकर भी एक धुंधली फ़ोटो आएगी, और अगर आपने गलती से खुजली कर दी या पसीना आ गया, समझ लो अगर बंदे को बाथरूम जाना हो तो वो कैसे जाएगा, 8 घंटे वैसे के वैसे खड़े रहो। क्या बात है भाई, क्या इन्वेंशन थी। ऐसी इन्वेंशन को हटाने के लिए आजकल के कैमरा मॉडिफाई होकर स्लिम ट्रिम और काफ़ी कम टाइम में नैनो सेकेंड्स में एक फ़ोटो खींच लेते हैं ताकि आपको तो आप मज़े से जा पाएँ। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि अलेक्सा जो है आपकी बातें 24 घंटे सुनती रहती है? यानी कि अगर आपको अलेक्सा को पूछेंगे कि व्हाट इज़ द वेदर तो वो वेदर का ही जवाब देगी, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे होंगे अलेक्सा के पास बैठकर तो वो भी वो रिकॉर्ड कर रही होगी। दोस्तों इसमें प्राइवेसी का कोई कंसर्न नहीं है, ये इसलिए रिकॉर्ड करती है कि आपका जो और अलेक्सा के साथ एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो। यानी कि आप जितना टाइम अलेक्सा के साथ स्पेंड करेंगे वो अपने आप को उतना ही इम्प्रूव करेगी आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। और एक और बात, अगर आप इस स्टॉक को या फिर इस फीचर को डिलीट करना चाहें या बंद करना चाहें, या फिर अगर कोई अलेक्सा ने बात रिकॉर्ड कर ली है अपने अंदर, अगर आप उसको इंडोलीजी या फिर किसी भी तरीके से डिलीट करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि खतरे वाली कोई बात नहीं, लेकिन सीरी में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि 86% लोग अभी भी अपनी USB पहले इंसर्ट में गलत डालते हैं, यानी उसको हमेशा उल्टा ही डालते हैं? आप उनमें से तो नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि पहले के समय में 1995 से पहले डोमेन नेम्स बिल्कुल फ्री थे, यानी कि .com, .gov, .net, .edu, .gov या किसी की भी धोबी बिल्कुल फ्री थी ये। लेकिन 1995 के बाद इनको पहले क्या पता लगा कि इंटरनेट का मार्केट इतना वाइड हो सकता है। इससे पहले इनको कुछ भी नहीं पता था। मार्केट वाइड होने के बाद इन्होंने इसका रेट बढ़ा दिया जगदम, यानी कि $100 कर दिया इसको। लेकिन आज ये बिल्कुल सस्ते हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट्स आज भी नहीं मान रही, वो $100 से भी महंगा बेच रही हैं। वाह भैया वाह, तुम अलग ही बिजनेस में बैठे हो। तो बस फिलहाल की वीडियो इतना ही। वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या फिर उसका कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में घुसना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, यानी कि किसी की लाइफ में घुसने से अच्छा है आप कमेंट सेक्शन में घुसिए। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।